फिलहाल बिजली कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। हजारों कर्मचारी आंदोलन में शामिल हैं। इस बीच सिविल लाइन डिवीजन में लाइनमैन पद पर संविदा पद पर कार्यरत राज बहादुर यादव नाम के व्यक्ति का आंदोलन दरमियान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार बताया है। संविदा पद्धति पर सरकारी बिजली कंपनियों में अपनी सेवा देने वाले यह लोग पिछले दो दिनों से काम बंद आंदोलन पर है। कार्टल रोड के महावितरण के कार्यालय परिसर में कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। सभी कर्मचारी फुटपाथ पर और रास्ते पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि नागपुर महानगर पालिका और महावितरण कार्यालय ने उन्हें आंदोलन के लिए अनुमति नहीं दी है। इसी वजह से धूप में बिना व्यवस्था के कर्मचारियों को आंदोलन करना पड़ रहा है। इस आंदोलन में धूप में बैठने की वजह से ही राज बहादुर यादव की मौत होने का आरोप मृतक के परिजन ने लगाया है। आज मेरे जीजाजी राज बहादुर यादव, उनकी आज मृत्यु हो गई है। वो अभी दो दिन पहले से ही इसमें ऊर्जा विभाग और नहीं ऊर्जा विभाग एमईसीबी ऑफिस में काम थे, और उनका हड़ताल शुरू थी। फिर भी प्रशासन ने, ऊर्जा विभाग ने उनके तरफ ध्यान ना देते हुए, और महानगर पालिका ने भी उन पेंडॉल वगैरह की परमिशन ना देते हुए, वे लोग भरी धूप में दो दिन से बैठे थे वहाँ पे, जिसके वजह से मेरे जीजाजी की तबीयत प्रकृति बहुत ख़राब हो गई। उन्हें घबराहट ये वो, और आखिर में उन्हें हृदय विकार का झटका आ गया और उससे उनकी आज मौत हो चुकी है। इसका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन है, उनके दो छोटे बच्चे हैं और उनकी वाइफ जो भी ये है। तो मेरा यही है कि आपसे कि आप थोड़ा उनके परिवार की तरफ ध्यान दें और उन्हें सहकार्य करें। वहीं पदाधिकारी ने कर्मचारियों के मौत के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बताते हुए न्याय की मांग की है। महाराष्ट्रामध्ये महावितरण महापरिषद आणि महानिर्मिती या कंपनीद्वारे संपूर्ण कंत्राटी कामगारांचे 9 फेब्रुवारी 2024 पासून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आंदोलन चालू आहे। त्या आंदोलनस्थळी नागपूर जिल्ह्यामध्ये नागपूर स्थित ग्रामीण व शहरी विभागातील कंत्राटी कामगार हे विद्युत भवन काटोल रोड येथे आंदोलनस्थळी बसलेले होते। आंदोलनस्थळी बसले असताना ना प्रशासनाकडून ना एमएससीबी ऑफिसकडून व ना एनएमसीकडून आम्हाला पेंडॉल टाकण्याची परमिशनसुद्धा दिली नाही, व त्या कारणाने आज कामगार उन्हामध्ये भर उन्हामध्ये त्रस्त झाले, व त्या त्रस्त झाल्याकारणाने आमच्यामधून आमच्यासोबत काम करणारे श्री राजबहादूर यादव हे मृत्यू पावले। त्याबद्दल आमच्या संपूर्ण कंत्राटी कामगारांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरलेले आहे। सरकार चुनाव के चलते बड़े पैमाने पर भर्तियां निकाली है। वहीं 15 से 20 सालों से संविदा पद्धति पर काम कर रहे कर्मचारियों को उन पदों पर स्थायी नहीं कर रहा है। सरकार अगर उनके लिए कोई विचार करता तो शायद आज राज बहादुर यादव जिंदा होते। एनबीसी न्यूज के लिए प्रकाश शुंगलवार की रिपोर्ट।